क्यों इस बार सैकड़ों हज यात्रियों की हुई मौत? बड़ी वजह आई सामने, क्यों हो रही है हज यात्रियों की मौत? क्या भीषण गर्मी है इसका कारण या कुछ और भी है जिससे अब तक 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो चुकी है? सऊदी अरब की व्यवस्था सवालों के घेरे में आई, कुछ हज यात्रियों ने उठाए स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल। आखिर क्यों मर रहे सैकड़ों लोग, क्या है इसकी वजह? साल हज यात्रा में गए सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो चुकी है, इनमें 98 भारतीय भी शामिल हैं। कितने लोगों की मौत के बाद सऊदी अरब की व्यवस्था अब सवालों के घेरे में घिर चुकी है। इस मामले में मिस्र ने हज यात्रियों को मक्का ले जाने वाली कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिया है, तो वहीं कुछ हजियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल अब तक सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें अधिकतर लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह बताई जा रही है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में यहां का तापमान 51 डिग्री से अधिक हो चुका है। ऐसे में यात्रा पर गए हज यात्रियों का जीना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोग मर चुके हैं, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगाल, सूडान और इराक के नागरिक शामिल हैं। हज यात्रा के दौरान सबसे अधिक नागरिकों की जान जाने के बाद मिस्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मिस्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि उसने 16 टूर एंड ट्रेवल कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जिन्होंने हज यात्रियों को सऊदी अरब की यात्रा की सुविधा प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां हज यात्रियों को चिकित्सा देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं देने में विफल रही। वहीं हज यात्रा में गए लोगों ने बताया कि हज यात्रा के दौरान लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि घर लौटते समय रास्ते में मैंने कई तीर्थ यात्रियों को मरते हुए देखा। लगभग हर कुछ मीटर पर एक शव पड़ा था और उसे सफेद कपड़े से ढका हुआ था। रिपोर्ट्स की माने तो इस साल हज के दौरान 1.8 मिलियन से अधिक लोग सऊदी अरब पहुंचे हैं। गौरतलब है कि हज का मौसम हर साल इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार बदलता रहता है और इस साल या जून में पड़ा है, जो सबसे अधिक गर्म महीने में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों में से सबसे अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, जिस कारण इन्हें एक्सीडेंट और बेसन जैसी सुविधा नहीं प्रदान की गई और बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की जान चली गई।